उल्ताई नगर में आज रामनवमी के अवसर पर जय मां दुर्गा हिंदू संगठन के तत्वाधान में राम जी की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार एवं आमला विधानसभा से विधायक योगेश पंडागरे और मुल्ताई नगर के जाने माने समाज सेवी लोकेश गीतकर हुए शामिल। खबर मुल्ताई से मुताबिक की पवित्र नगरी मुल्ताई नगर में आज जय मां दुर्गा हिंदू संगठन के तत्वाधान में राम नवमी के अवसर पर विशाल राम जी की शोभा यात्रा निकाली गई। आज की इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए। विशाल शोभा यात्रा में तरह तरह की झांकियां भी शामिल की गई। वहीं महाराष्ट्र के डीजे को मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर में बुलवाया गया, जिसकी धुन पर राम भक्त जय जय श्री राम के नारे लगाते हुए नाचते नजर आए। यह शोभा यात्रा मुल्ताई नगर के बस स्टैंड से प्रारंभ हुई और नगर के चौक चौराहों से भ्रमण करते हुए उसी स्थान पे जाकर इस शोभा यात्रा का समापन किया गया। इस शोभा यात्रा को लेकर आज बैतूल जिले की संवेदनशील एसपी सिमाला प्रसाद एवं एडिशनल एसपी नीरज सोनी ने भी मुल्ताई आकर मुल्ताई नगर का जायजा किया। साथ ही साथ आज की शोभा यात्रा में मुल्ताई अनुविभागीय पुलिस अधिकारी सुश्री नम्रता सोंदिया एवं मुल्ताई थाना की नवगत टीआई प्रज्ञा शर्मा एवं पुलिस दल मुस्तैद दिखा। साथ ही साथ इस शोभा यात्रा में जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार, आमला विधायक योगेश पंडागरे, भाजपा नेता हेमंत देशमुख, भाजपा नेता मनीष माथनकर, भाजपा नेता चिंटू खन्ना, भाजपा नेता कमलाकर मासोदकर, भाजपा नेता गणेश साहू, भाजपा नेता निखिल जैन, भाजपा नेता जगदीश पवार, बजरंग दल से नेता गगन साहू, भाजपा नेता नरेश फाटे, जय मां दुर्गा हिंदू संगठन के मयंक पाठक, शिवांश पाठक, आर्यंस महेश्वरी, कृष्णा दावंडे, मुल्ताई नगर के जाने माने समाज सेवी लोकेश गीतकर भी इस शोभा यात्रा में शामिल हुए।